जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे लेटर सिस्टम या फिर सेवन क्रिस्टल सिस्टम, या जिसको हम ब्रेविस लेटर सिस्टम भी कहते हैं, जो कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था ए ब्रेविस, उसने हमें दिया था 1850 के अंदर। उसके नाम की बेस पे हम इसको ब्रेविस लेटर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये बड़ा ही मुश्किल लगता है समझना, याद करना। तो आज जरा हम क्विकली इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। पहले तो ये समझ लें कि हमारे पास ब्रेविस ने हमें बताया था कि देर आर सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। उन्हीं को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं और उन्हीं को हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी लेटेस है हमारे पास, उसका कोई ना कोई बेसिक यूनिट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और अगर हम किसी भी यूनिट सेल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्यूबिक शेप ड्रा करता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस यूनिट सेल की बात करता हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि क्रिस्टल की शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, या फिर स्ट्रक्चर क्या होगा। अब वो एलिमेंट्स पहले देख लें, उसके बाद हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये लेंथ। एक तो हमारे पास एलिमेंट होता है लेंथ का, और दूसरा हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो होता है एंगल्स का। ठीक है, लेंथ मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इस लेंथ को जो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट है इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज ए, जो हमारे पास जेड एक्सिस के अगेंस्ट है उसको मैं बोल देता हूँ दिस इज बी, और ये अगर जो वाई एक्सिस के अगेंस्ट है उसको मैं बोल देता हूँ सी। तो ये हमारे पास लेंथ है। थ्री डिमेंशन में अगर देखा जाए तो क्रिस्टल्स की जो लेंथ है वो डिसाइड करती है कि क्रिस्टल हमारे पास कैसा होगा। दूसरी चीज है एंगल, कि इन दो फेसिस के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल एक फेस ये है और दूसरा फेस ये है, इनके दरमियान क्या एंगल है। अब उन एंगल को हम शो करते हैं अल्फा से, इन दो फेसेस के दरमियान बीटा, और अगली दो फेसेस के दरमियान गामा। तो बेसिकली ये हमारे पास जो लेटेस्ट है, इसको समझने के लिए हमें इन दो चीजों को समझना होगा, दैट इज लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। तो हम इसी की बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं क्रिस्टल्स की और उनको समझने की कोशिश करते हैं। चले आए इसको जल्दी से समझ लेते हैं। हमारे पास जब क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं तो हम इसको एक टेबल के जरिए बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। टेबल में हमारे पास क्या चीजें होंगी, सबसे पहले तो मैं क्रिस्टल सिस्टम का नेम, उसके बाद उसका जो पैरामीटर्स हैं जो हमने डिस्कस की अभी, पहला पैरामीटर क्या है लेंथ, कि उसकी लेंथ कैसी है, और उससे अगला पैरामीटर हमारे पास क्या है कि एंगल, कि हमारे पास एंगल्स फेसेस के दरमियान क्या है। तो इनको हम समझेंगे इस टेबल के जरिए, हमें सारे क्रिस्टल सिस्टम बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है वो सिस्टम होता है क्यूबिक, दूसरा जो सिस्टम है दैट इज टेट्रागोनल, इसी तरह से थर्ड सिस्टम हमारे पास है ऑर्थोरोम्बिक, उससे अगला हमारे पास सिस्टम है रोम्बोहेड्रल, और उसके बाद हमारे पास सिस्टम है हेक्सागोनल, और उसके बाद हमारे पास सिस्टम है मोनोक्लिनिक, और लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक। तो बेसिकली ये सेवन सिस्टम है। अब हमें याद ही रहता, अगर आप इसी तरतीब में याद रखेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं इन तमाम क्रिस्टल के नेम्स के, क्रिस्टल सिस्टम के नेम्स के पहले वर्ड ले लूं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, दैट इज CTOR, CTOR HMT। तो आप ये सिंपल याद रख सकते हैं CTOR, ठीक है, HMT। तो इससे अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये तरतीब याद हो जाएगी, और आगे बॉन्ड एंगल और लेंथ तो बड़ी आसानी से हम समझ लेंगे कि हमारे पास वो क्या होगा। तो CTOR HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये हमारे पास सेवन सिस्टम हो गए। अब इनकी लेंथ जल्दी से हम याद कर लेते हैं कि लेंथ कैसे हम इसकी याद कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास तीन लेंथ हैं, थ्री डायमेंशन में अगर देखा जाए तो ए, बी और सी। ठीक है, पहले हम लेंथ को डिस्कस करेंगे फिर बॉन्ड एंगल्स की तरफ जाएंगे। जब हम क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं तो ए, बी और सी तीनों लेंथ हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, टेट्रागोनल की जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। मतलब क्या चेंज आता है कि ए और बी तो इक्वल होते हैं, लेकिन एक हमारे पास बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं रहती। अब इसी ऑर्डर में हम आगे चलते जाएंगे कि हमारे पास जब हम ऑर्थोरोम्बिक में पहुंचेंगे तो ए, बी और सी
तीनों की तीनों हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल नहीं होगी। अब फर्दर मूव करें अगर रोम्बोहेड्रल में, तो फिर हमारे पास जाके उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है। अब उसमें भी तीन हमारे पास क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी ए बी और सी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो रोम्बोहेड्रल है ये मैच करेगा पहले वाले से। रोम्बोहेड्रल किससे मैच करेगा, पहले वाले से। तो मतलब इसके अंदर ए बी और सी तीनों लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आगे बारी हेक्सागोनल की। जब हम हेक्सागोनल की बात करते हैं तो हेक्सागोनल देखे ना, ये वाला मैच किया था पहले वाले से, अब हेक्सागोनल मैच करेगा दूसरे वाले से, ठीक है। मतलब हेक्सागोनल में भी क्या केस होगा कि ए और बी तो इक्वल होंगे लेकिन जो थर्ड लेंथ होगी सी वो इक्वल नहीं होगी। देखें पहले तीन है, पहले में सब बराबर, फिर एक बराबर नहीं है, फिर दोनों बराबर नहीं है, और उसके बाद जाके फिर सब बराबर, फिर एक बराबर नहीं है, और आगे जाके हम समझते हैं कि मोनोक्लिनिक में क्या होने वाला है। सिमिलरली मोनोक्लिनिक में भी यही होगा कि ये हमारे पास एक बराबर है, एक बराबर नहीं है, और उसके बाद फिर हमारे पास दोनों ही बराबर नहीं है। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये मैच करेगा तीसरे वाले से। और जब हम ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा उसका, लेकिन सिंपल ये है कि ए बी और सी ये जो तीनों हमारे पास बॉन्ड लेंथ है ये इक्वल नहीं होती। तो ये बड़ा आसानी से हमें याद आ गया, तमाम इक्वल हैं, एक इक्वल नहीं है, दो इक्वल नहीं है, फिर तमाम इक्वल हैं, एक इक्वल नहीं है, दो इक्वल नहीं है, और फिर दोनों ही इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास हमें लेंथ याद होगी इनकी, इसके हमारे पास ज्योमेट्री डिसाइड करते हुए लेंथ का एलिमेंट कैसा होगा। ओके तो लेंथ के तो हमने पैरामीटर बड़ी आसानी से याद कर लिए, अब हम एंगल्स की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली तीन तरह के एंगल्स होते हैं, कौन कौन से, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। जब हम बात करते हैं क्यूबिक की, टेट्रागोनल की और ऑर्थोरोम्बिक की, तो तीनों में हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं और वो 90 के इक्वल होते हैं। मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा कि अल्फा बीटा और गामा इक्वल होंगे किसके, 90 के, और उसके बाद फिर से यही होगा अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू होंगे किसके, 90 के। मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी बॉन्ड एंगल में चेंजेस नहीं है। रोम्बोहेड्रल में है सिमिलरली, कैसे, यहाँ पे सारे इक्वल है, वहां पे एक इक्वल नहीं होगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या केस है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू गामा, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90। मतलब ये तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल हमारे पास जो है ये 90 के इक्वल नहीं है, ना अल्फा 90 है, ना बीटा 90 है, ना ही गामा 90 है। ये जब इसकी डायग्राम देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तीनों केसेस में, पहले तीन केसेस में बॉन्ड एंगल इक्वल है, तीसरे केसेस में कोई भी बॉन्ड इक्वल नहीं है। ओके अब हम बात करते हैं अगले केसेस के, लेकिन सबसे पहले ना ट्राइक्लिनिक की बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए समझना जरा आसान हो जाएगा। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, अल्फा ना तो बीटा के इक्वल है, ना ही बीटा हमारे पास गामा के इक्वल है, और ना ही ये सारे के सारे 90 के इक्वल है। तो ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, पहले तीन में सब कुछ इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा और गामा 90 के इक्वल नहीं है। रह गए दो, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। रोम्बोहेड्रल में अगर देखें तो दो हमारे पास एंगल ऐसे हैं जो 90 के इक्वल हैं, लेकिन एक 90 के इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल में भी बिल्कुल इस तरह से है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में क्या केस है। जब हम हेक्सागोनल की बात करते हैं तो अल्फा और बीटा तो इक्वल है 90 के, लेकिन जो गामा है वो हमारे पास 120 के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, 120 के। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें अल्फा और बीटा नहीं बल्कि अल्फा और गामा 90 के इक्वल हैं, लेकिन जो हमारे पास बीटा है वो 90 के इक्वल नहीं। तो जल्दी से रिवाइज कर लें, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में सारे के सारे जो हमारे पास एंगल्स हैं वो 90 के इक्वल हैं। ऑर्थोरोम्बिक में भी, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक तो इसमें आ गया। अब बात कर ले रोम्बोहेड्रल की, उसमें अल्फा बीटा और गामा ये सारे के सारे 90 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, ना तो वो आपस में इक्वल है और ना ही वो 90, वो कुछ और ही है एंगल्स।
और जब हम बात करते हैं हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक की, तो हेक्सागोनल के अंदर हमारे पास अल्फा बीटा तो 90 है लेकिन गामा 120 है, और जब हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक की तो अल्फा और गामा 90 है, अल्फा बीटा नहीं, अल्फा और गामा 90 है और बीटा हमारे पास क्या है 90 के इक्वल नहीं है। तो ये बड़ा क्विक सा मेथड है, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी शेप्स बनाना सीखेंगे कि इसके हम जो डायग्राम्स हैं वो कैसे ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।